चेहरे आप ही लोग में से होंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर कोई एफर्ट्स जब लगाते हैं वही विनर बनते हैं। आज भी कंडीशन ये रहा होगा कि सेमिनार की अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था कि हमें सेमिनार अटेंड करना है, लोग अपने घरों से अपने हॉस्टल से निकले भी होंगे, बट उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि पास में सिनेमा हॉल में चले गए हों, पार्क में चले गए हों, मॉल में घूमने चले गए हों, लेकिन आप यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, आप दूसरों से अलग हैं, आप भीड़ के हिस्सा नहीं है, और जो लोग भीड़ के हिस्सा रहते हैं ना वो कॉमन पीपल बन के रह जाते हैं, वो अनकॉमन बन के सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए आपकी जो सिंसेरिटी है, जो आपकी बर्निंग डिजायर है, मैं चाहूंगा उसके लिए आप खुद के लिए बहुत ही जोरदार क्लैपिंग करें। आज के इस सेमिनार में अगर आप यहाँ आए हैं तो एक मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ सिर्फ सुनने के लिए ना बैठे, सीखने के लिए सिर्फ ना बैठे, बल्कि यहाँ जो कुछ भी आप सीखेंगे या जानेंगे उन चीज़ों को आने वाले टाइम में अप्लाई करने के लिए डिसीजन लेके आप यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। सभी को पता है कि हमें ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन पढ़ते नहीं। पता है हमें कि एनसीईआरटी बुक हमें पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आप सभी को पता है, बट करते नहीं। तो नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, पता है आपको, लेकिन आप उसे उस नॉलेज को जब अप्लाई नहीं करते तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ नॉलेज लेने आए हैं तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। हम लोग कोई नई चीज नहीं बताने वाले, हम लोग आपको वही बताने वाले हैं जो आप पहले से जानते हैं, बस हम लोग रिमाइंड करवाने वाले हैं कि आप जो जानते हैं उसे परफेक्टली अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आज से करने का डिसीजन लें। बड़ा जो डिसीजन होता है ना वो इसी तरह के माहौल में लिया जाता है, जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, जब आपके सामने अभी यहाँ दो मेडिको आएंगे, मैं उनका भी सबसे पहले गोल फैमिली की ओर से बहुत ही जोरदार वेलकम करना चाहता हूँ, और ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो एम्स में पढ़ना चाहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए हम लोगों ने आपको गाइड करने के लिए एम्स से हम लोगों ने स्टूडेंट्स को बुलाया, और जब उनके थ्रू आप गाइडेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्स जाने का फॉर्मूला क्या है, और आप उस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे तो फाइनली एम्स जरूर पहुंचेगा।
तो ये जब स्टूडेंट्स एम से आए हुए स्टूडेंट जब आपसे बातें करेंगे, उस समय डिसीजन लेने का टाइम होगा कि हमें बनना कैसा है, हमें उन जैसा बनना है जो कॉमन पीपल है, जो भीड़ का हिस्सा है, या हमें अलग आइडेंटिटी बनानी है। यू शुड आस्क राइट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, विच काइंड ऑफ लाइफ यू वॉन्ट टू लीड। डू यू वॉन्ट टू लीड ऑर्डिनरी लाइफ और यू वॉन्ट टू लीड द लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस? अगर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ वैसे कॉमन लोगों से अलग अनकॉमन लोगों की हैबिट को अपने अंदर लाना पड़ेगा। दोनों की जो